अब मैं नॉर्थ ईस्ट के गेटवे गुवाहाटी के फिंची बाजार के एक चौपाल पे खड़ा हूँ, जहाँ हर तबके का लोगों का आना जाना है। चलिए इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव में इनका क्या मुद्दा रहेगा। जी, अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस बार चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? हम लोग पहले भी विकास का मुद्दा पे बात करते थे, अभी भी हम लोग विकास के मुद्दे में ही काम करेंगे। आज जो अपना देश के अंदर में जो विकास हुआ है, जो रास्ता घाट, गैस का कनेक्शन, लाइट जिसके घर में नहीं थी, लाइट, पानी की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, सब हम लोग ने किया है। और आपको आज गुवाहाटी में भी गली गली का रास्ता चमक उठा है, तो हम लोग विकास के मुद्दे पे ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी, अभी प्रधानमंत्री खासकर पूर्वोत्तर के विकास पर काफ़ी ध्यान दिए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कहाँ तक विकास पूर्वोत्तर में हो चुका है? विकास तो धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। हम जहाँ खड़े हैं वहीं आप रास्ते की हालत देख लीजिए, थोड़ी सी आगे देखिए, फुटपाथ की अवस्था देखिए, तो विकास तो दिखाई दे रहा है कि कहीं नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम पाँच सालों में क्या किया, किताबों में तो बहुत कुछ किया, मोदी जी बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, मन की बात, इसकी बात, उसकी बात, लेकिन जन की बात सुनते नहीं। उनको आवश्यकता है वो जन की बात सुने, लोगों को क्या मुश्किलें, क्या तकलीफ़ों में लोग गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, उसकी लोगों की भावनाओं को समझें, देश की उन्नति की बात करें। विशेष करके पूर्वोत्तर की जो अवहेलना कर रहे हैं, ये जो नया कानून लेके आ रहे हैं, नया सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उसको लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जैसे कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में हंगामा हुआ, क्या इसका सीधा असर वोटर पर भी पड़ेगा, आपको क्या लगता है? निश्चय पड़ेगा, ये यहाँ की जमीन से जुड़ा हुआ, अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। पहले मैं इनकी बात पे आता हूँ, विकास की, जो विकास पर ये लोग बोल रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री कोई खैरात नहीं बांट रहे आसाम में अगर विकास कर रहे हैं। ये उनकी नैतिक कर्तव्य, हर स्टेट में विकास करें, उनको जनमत अगर मिला है। हम चुनाव की टाइम में पार्टीबाजी करते हैं, जब लोकतंत्र में क्या है, जब जीत के कोई भी बंदा आता है किसी भी पार्टी का, उसका काम है वहाँ के उत्थान में, वहाँ के हर एक काम में उनको आगभाग लेना। अगर ये बार बार ये हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी, तो मोदी जी ने क्या खैरात बांटी है क्या? हमें क्या भिकमंगा की जगह कटोरा लेके गए क्या? उनको हर स्टेट में विकास करना है, लेकिन जो विकास होते हैं उसके पीछे राजनीति नहीं चमकानी चाहिए। अब अगर आज अगर ये मोदी जी की रट लगा रहे हैं, या भाजपा रट लगा रहे हैं, चाहे सोनोवाल की रट लगा रहे हैं, इनके पीछे इनको एक जमीन मिली आज 15 साल तरुण गोगोई के सरकार के राज में आतंकवाद को जड़ से उठा के फेंका, लोगों में जो भरोसा, जो यहाँ के नन आसामी लोग में जो भरोसा उठ गया था, उस भरोसे को किसने लाया? इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाया। आज जमीने का आसमान पे भाव, जो गुवाहाटी से बाहर पांडू के आगे गुवाहाटी नहीं बस रहा था, आज विजयनगर, पलासबाड़ी, 6 गांव पार कर गया, इधर रंगिया क्रॉस कर गया, इधर सोनापुर क्रॉस कर गया, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये 4 साल 4.5 साल में नहीं हुआ है। अगर इसकी तय में जाएंगे आप, ये 15 साल के अंदर में हमारे कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया, और जब शांति आई, तरक्की हुआ है। इनके हिसाब से जितना विकास की बात किया जा रहा है, उतना विकास नहीं हो पाया, तो जी आपसे जानना चाहेंगे अभी। देखिए, ये बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ, आज भारतवर्ष की जो GDP है वो 7% से ऊपर है, महंगाई दर जो है UPA के शासन काल में दो डिजिट से ऊपर चली गई थी, जो आज 2.6 पर है, ये सारे आंकड़े बता रहे हैं। दूसरे, आज भारत जो है विश्व की 6ठी आर्थिक शक्ति बन चुका है। पहले भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनियां सिर्फ 2 थी, आज 125 है। तो ये सारे आंकड़े, और जिस तरह से आज 18,000 गांवों में बिजलियां नहीं पहुंची थी, आज बिजली पहुंचाने का काम किया है। आतंकवाद की समस्या के ऊपर में इसके पहले जो हमारी सरकारें थी, उनका जो दृष्टिकोण था, या उनकी जो नीति थी, वो बड़ी सॉफ्ट थी। अब ये नई नीति और नई रीति का भारत है, जो आतंकवादियों के घर में घुसेगा भी और उनको मारेगा भी। आज पुलवामा और उरी
उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पुलवामा के बाद में एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर करके मोदी जी ने जो 56 इंच का सीना दिखाया है वो देश की जनता देख रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, बीके हरिप्रसाद जैसे लोग आज आज मोदी जी को, मोदी जी को और इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। आप मुझे बताइए 26 इंची से, कभी तो बोलते 56 इंची, अभी बताते 26 से 65 हो गया। अरे पहले आप ठीक करो, 56 है ना, 26 है ना, 65 है, पहले सीना एक तय करो। आप इस तरह लोगों को बहका नहीं सकते। आप जानिए कि फाइल चोरी हो गई, आज सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं कि रफेल की फाइल चोरी हो गई। तमाशा है, तमाशा है। हाई सेक्रेटरी जान की यह स्थिति है, ये स्थिति है कि रफेल की फाइल चोरी हो गई, जो मुद्दा नहीं होता है। लोग हमारे साथ हैं, और भी काफी मुद्दे हैं, हम लोग और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये फैंसी बाजार एक ऐसा जगह है, ये व्यापार का एक केंद्र माना जाता है, ये हर तरह का व्यापार है। जीएसटी लागू होने से क्या व्यापारी लोगों का किस तरह का फायदा हुआ या नुकसान, उससे भी उसके बारे में आपसे जानना। सर, जीएसटी लगने से पहले पहले तो थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया था, आजकल अब पूरी चीज हर व्यापारी वर्ग को समझ में आ गई है, क्योंकि जीएसटी इनपुट होता है, वापस मिल जाता है पैसा, अब कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जीएसटी में, जीएसटी लगने से सरकार को मतलब इनकम हो रही है, विकास के कार्य हो रहे हैं। आज मोदी जी जगह जगह कार्य करवा रहे हैं, आज उन्होंने स्ट्राइक, दो बार स्ट्राइक करा के 56 इंच के सीने को 156 इंच कर दिया है उन्होंने। हर हर मोदी, घर घर मोदी जी। और भी लोग हमारे साथ, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या मुद्दा है जो जिनको लेकर ये। देखिए, वर्तमान के अंदर देश में जो परिस्थितियां दिख रही है, और 5 साल की जो सरकार चली है, आज उसका निर्णय लेने का समय आ गया कि उन्होंने अपनी करनी और कथनी के आधार के ऊपर में देश के अंदर जिस प्रकार की चीज़ों का कार्य करके दिखाया है, उनका मूल्यांकन करने का समय, ये जो 2019 के होने वाले लोकसभा के जो चुनाव हैं, इनका मूल्यांकन किया जाएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी सिनेरियो की बात की जाए, तो आज देश के अंदर जो भी चीज़ें 2014 के पहले थी, क्या 2-4 साल के अंदर देश के अंदर उन परिस्थितियों के अंदर, सिक्योरिटी सिनेरियो के अंदर कोई बदलाव लाने की एक मूलभूत तौर के ऊपर में एक पॉलिसी डिसीजन के तहत के अंदर सरकार ने कोई ऐसा कार्य किया है? दूसरा विषय है कि जहाँ तक विकास विकास का प्रश्न हो रहा है, आज भी देश के अंदर लोग भूखमरी से मर रहे हैं। जहाँ तक मूलभूत समस्याओं की चीज़ों की बातों की बात है, तो कई शहरों के अंदर तो चकाचौंध दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी के जीवन से पैसा, आर्थिक तौर के ऊपर में जिस प्रकार की सरकार की 2-3 वर्षों के अंदर जो पॉलिसीज रही है, उसके तहत से लोगों को उत्पीड़न का माहौल देखने के अंदर मिला है। जहाँ तक व्यापारिक वर्ग के विषय के अंदर यदि बात करते हैं, इकोनॉमिक के बेसिस के ऊपर में यदि आप बात करते हैं, डीमोनेटाइजेशन के संदर्भ के अंदर इतना बड़ा निर्णय लिया गया, लेकिन अंत के अंदर उसकी रिपोर्ट के तहत के अंदर एक 700-800 नंबर पेज के अंदर RBI के 3 साल बाद के अंदर रिपोर्ट आती है कि उनके अंदर 99% से ज़्यादा पैसे जो हैं वापस आ गए। तो काले धन का जो मूल मुद्दा था, जिसके आधार के ऊपर में 2014 के चुनाव लड़े गए थे, 2014 के चुनाव के बाद में 2019 के चुनाव के अंदर आज इस विषय का लेकर के लोग उसका मूल्यांकन करेंगे कि जितनी तौर के ऊपर में 15 लाख के विषय के ऊपर में लोगों को कहा गया था, तो वो काला धन कहाँ है, काला धन है कि नहीं है, इस विषय के ऊपर में सरकार को स्पष्ट तौर के ऊपर सामने आने की ज़रूरत है। दूसरा विषय ये है कि 5 वर्ष हो गए, कम से कम लोग, मन की बात चलती रहती है, बाकी बातें चलती रहती है। देश के प्रधानमंत्री की हैसियत के ऊपर में जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में काम करते हैं, जो भी निर्णय आज पाकिस्तान के संदर्भ में भी किया गया है, तो देश का हर व्यक्ति उनके साथ रहेगा। लेकिन जहाँ तक आंतरिक तौर के ऊपर में जब निर्णय करने का विषय जब आएगा, तो उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि उनकी कथनी और करनी के अंदर कितना फर्क रहा है। कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामूहिक तौर के ऊपर में लोगों की जो संवेदनाएँ हैं, लोगों की जो भावनाएँ हैं, उनको अभिव्यक्त करके उनके प्रश्नों के उत्तर यदि वो दे पाएँ, तो मुझे लगता है कि उनकी सार्थकता और उनके सफल नेतृत्व का आधार का पैमाना माना जाएगा। आज 5 वर्षों के अंदर वो लुक लुक करके, छुप छुप करके, खाली बमबारी करके, कारपेटिंग बमबारी कर करके जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों से मुझे लगता है कि उनकी छवि जो है थोड़ी सी धूमिल होगी, और इसका निर्णय जो है 2019 के चुनाव में देखने को मिलेगा। आप जिम्मेदार वोटर भी हैं, अभी चुनाव आने वाला है लोकसभा चुनाव में, आपका क्या मुद्दा रहेगा इस वोटर में? मतलब मेरा मुद्दा यही है, देखिए पॉलिटिकल चीज़ है, मतलब राजनीति, रफ और राष्ट्र, जप और जनता, नीफ और नीति, तप और तांत्रिक, ये 4 विधि होती है, वही राजनीति कर सकता है। तो मेरा कहना यह है, जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जैसे मोदी सरकार है, उनको पूरा ध्यान देना चाहिए, जैसे नागालैंड हो, असम हो, मिजोरम हो, अरुणाचल हो, क्या ये नॉर्थ ईस्ट, मतलब एक अपने शास्त्र में भी दिया हुआ है, ये फेक्स हुई है, वास्तुशास्त्र है ये, मतलब अपने नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये ब्रेन है,
इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये मतलब आगे मतलब भारत में मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकेगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अपन को प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी है, फैक्ट्री बिठाना और कुछ समझौता करना ये बहुत जरूरी हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार यही कहते हैं कि पूर्वोत्तर का विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो इस पर क्या आपको लगता नहीं है कि विकास के वाकई ध्यान दिया गया है? नहीं, ये सही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। पूर्वोत्तर में जैसे विकास जैसे जैसे मतलब बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अपने भारत भी ठोस होते जाएगा, इसमें कुछ मतलब ये कुछ कमजोरी नहीं रहेगी। मतलब पूर्वोत्तर में अपन को ध्यान देना बहुत उचित है, आगे में मतलब पूर्वोत्तर में ध्यान देगा जब ही भारत का विकास हो पाएगा, अन्यथा भारत का विकास होना असंभव है। क्या मुद्दा इस बार विकास का मुद्दा रहेगा? सिर्फ विकास विकास विकास। मेट्रो रेल की जरूरत अभी नहीं है, अभी जो रेल की व्यवस्था उसे दुरुस्त कर ले वही बहुत है। अभी अहम मुद्दा है विकास का। विदेश नीति ठीक है, रक्षा नीति ठीक है, अब मोदी जी को भारत के भीतर भी देखना चाहिए। आज हमने स्किल इंडिया दे दिया, मुद्रा लोन दे दिया, फिर भी बेरोजगारी दर वो दर बदर बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? ये भी एक सोच का मुद्दा है। ठीक है, हमने पुलवामा हमले का बहुत अच्छा जवाब दिया है, हम मोदी जी की इस बात के लिए बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर मोदी जी क्या बोलेंगे, इसके ऊपर भी देश जानना चाहता है। बेरोजगारी दर अभी अपने उच्चतम स्थान पे पहुंच गई है, पकोड़ा बनने वाला भी रोजगार है, बस सही बात है, फिर ये बेरोजगारी दर क्यों इतने ऊपर पहुंची है? इस बात का जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता को देनी पड़ेगी ना। आंकड़ों से खेलते जी, अभी आसाम में इस बार भाजपा सरकार है, सत्ता पर है, और इससे पहले लगातार 3 कंजिक्यूटिव टर्म कांग्रेस कर रहा है, अगर उनके समय में और इसका तुलना किया जाए विकास के, तो आप किस नज़र से इसको देखते हैं? आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, विकास के बारे में जो है वो आंकड़े बोलते हैं। आज जो भारत वर्ष की जो जीडीपी है 7.3% करीब है, और महंगाई दर जो मेरे मित्र कई बोल रहे हैं, महंगाई दर जो है पहले यूपीए के सर में 10% से ऊपर थी, आज वो करीब 3% से नीचे है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जिस तरह से हमारी सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया, उसके बाद में जब कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद जब ये कहते हैं कि ये इमरान खान और नरेंद्र मोदी जी के बीच में मैच फिक्सिंग है, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? और ये हमारे जवानों का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने। आज एयर स्ट्राइक के जो सबूत मांग रहे हैं, इनको हमारी सेना पे विश्वास नहीं है, इनको पाकिस्तान पे विश्वास है, इनको पाकिस्तान पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं, वो पाकिस्तान चले जाए, देश के जो शहीद है उनकी चिताओं पे रोटी सेकने वाले लोग हैं, ये देश के शहीदों की चिता पे रोटी सेकते हैं, इनका काम कुछ नहीं है, खाली दूसरों को देशद्रोही। आपने क्या किया 26 के बाद लेकिन मनमोहन सिंह साहब चुप बैठे रहे, और देहाती औरत बताया था पाकिस्तानियों ने मनमोहन सिंह को। आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने ये दृढ़ राजनीति शक्ति का प्रदर्शन किया है और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, आज देश के जवानों की शहादत पर ये राजनीति कर रहे हैं, आज इनको देश के जवानों के पीछे खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज ये पाकिस्तान के सुर में सुर मिला के बात कर रहे हैं। जी अभी ये बड़ी बड़ी शर्म की बात है। ये भाजपा वालों ने ही, जो भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चाहे प्रांत स्तर के हो, उन्होंने एक नया मुद्दा आज दे दिया है, क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे बोलने के, लेकिन एक मुद्दा अभी मिला है कि मोदी जी ने LOC पार करके एयर स्ट्राइक किया है और आतंकवादी इन्होंने दो बातें कांग्रेस की नीति थी। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप जब आप एक मिनट, अब इन्होंने दो बात स्वीकार करी है कि 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो पूर्वी बांग्लादेश और पाकिस्तान से वार हुआ था क्रॉस बॉर्डर के बाद, LOC पार करके जो हमारी सेनाएं काम करी थी उसको तो ये सही मानते हैं। और जब लोकतंत्र के ऊपर पार्लियामेंट पे और कारगिल पर जो कांड हुआ था, जब सेना एयरफोर्स अटल बिहारी वाजपेयी से परमिशन मांग रही थी LOC क्रॉस करने दीजिए, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, सेना को बुलाई, सेना को वापस बैरक में भेज दिया और उन्होंने घुटने टिका दिए। मुझे बीजेपी अच्छा नहीं लगता है।
क्या वजह है बीजेपी को अच्छा नहीं लगता, मतलब क्या कैसे एनालिसिस कर? कोई सिस्टम ही उन लोगों का ठीक नहीं है, और जो देने के लिए वादा किया कुछ भी नहीं दिया, कुछ काम से नहीं देता है। और जब से बीजेपी आया है तब से हम लोगों का इनकम सोर्स बहुत कम गया। हम लोग क्या पकड़ा बेच के डिजिटल बनेगा? हम लोगों का देश डिजिटल नहीं चाहिए, आदमी डिजिटल चाहिए। आदमी डिजिटल होने से देश भी डिजिटल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का जो अच्छा कुछ डेवलप करे उसको चाहिए, नया कोई पार्टी चाहिए जो देश के लिए कुछ करे, कुछ सोचे और देश का पब्लिक के लिए कुछ करे, ऐसा चाहिए पार्टी। अभी चुनाव में, अगले चुनाव में आप किन को प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मैं किसी पार्टी को नहीं चाहता, जो अच्छा काम करे देश के लिए उसको ही चाहता हूँ। तो बोलिए राहुल है या नरेंद्र, और भी लोग हमारे साथ हैं। अभी आने वाला चुनाव में, अभी आप देश के जिम्मेदार नागरिक है, वोट भी डालेंगे, तो आने वाला चुनाव में या देश का प्रधानमंत्री के रूप में किन को देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है ही नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। वो जो करेगा ना और कोई नहीं कर सकता, और सब देश को बेचने वाले हैं, चोर लोग हैं कि नहीं? एक बीजेपी है देश को जो है आगे बढ़ा सकती है, और नरेंद्र मोदी चाहिए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वही है एक देश को जो, अगर लुंगी और धोती नहीं चाहिए तो देश को आगे वो बढ़ा सकता है। सबसे बढ़िया नेता है नरेंद्र मोदी। महंगाई और बेरोजगारी और ये सब में आप दिखे थे, इस बार का चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, मैं एक विषय में एक कविता सुना देता हूँ आगे। जब से सुनी नेता की कहानी, जब से नेता बनने की ठानी, पहन के निकला कुर्ता पैजामा और हो गया राजनीति का दीवाना। ख्यालों में डूबा बस एक ही ख्याल आता, अगर मैं पहले से नेता होता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। जब मैं नीचे धरती पे नहीं डनलप के गद्दे पर सोता, जहाँ भी जाता फूलों की माला से भर जाता, और मैं पहले से नेता होता। गार्ड होते, नौकर होते, बंगले होते, चमचमाती एक गाड़ी होती, जब मेरी राजनीतिक में मेरी कहानी होती, अगर मैं पहले से नेता होता। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, आप अभी चुनाव आने वाला है, हाँ, एक जिम्मेदार वोटर है, हाँ, तो आपका मतलब क्या, आपका इस चुनाव से पहले आपका क्या मुद्दा रहेगा और किस बेसिस पर आप वोट करेंगे, और अभी चुनाव, इस बार के चुनाव में किन को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में वो तो बात की बात है, मुद्दा हमारा यही रहेगा विकास हो। जगह जगह ये सड़कें हैं, मतलब मेन बाजार की टूटी हुई है आपके सामने, बोले सड़कें बन रही है, लाइट लग रही है, स्ट्रीट लाइट लग रही है, लेकिन कोई स्ट्रीट लाइट जल रही है, कोई नहीं जल रही है। यहाँ के मतलब नगर पालिका के जैसे कमिश्नर है, एरिया सभा के हैं, हम लोग उनको डोनेशन करके वो लाइट ठीक करवाते हैं, वो करवाते हैं, बोले विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा तो अभी लग रहा नहीं है। हम तो खाली विकास चाहते हैं, कोई मंत्री आओ, हमें तो खाली विकास चाहिए। जी, इन्होंने कविता के जरिए अपना मन की बात प्रकट की है, आपसे जानना चाहेंगे इस बार, आपसे जानना चाहेंगे चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? और चुनाव में मुद्दा अच्छा ही रहेगा, बीजेपी आएगी, समझे ना? अभी जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो अच्छा ही कर रहे हैं देश के लिए। अब कोई बोलता है खराब कर रहे हैं, नहीं, महीने में तो अच्छा ही कर रहे हैं। गरीबों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ लाइट भी चली गई है, बीजेपी जिंदाबाद है इधर, समझे? आप आगे आ जाइए, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी चुनाव आ रहा है पूर्वोत्तर का, आप हम आसाम के रहने वाला है, चाय बागान का मजदूर जो है उनका जो परेशानी है, चाय मजदूर के लोगों का जो मेन मुद्दा है, क्या राजनीति कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या चुनाव आने से उनको सिर्फ वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं? आसाम के लोग होने के नाते आपसे जानना चाहिए कि वो तो सब कोई करता है, हर राजनीति पार्टी करता है, लेकिन आज अगर हम आज की नॉर्थ ईस्ट को देखें तो बहुत सारा मुद्दा है जो बाहर में कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो, चाहे राफेल का हो, लेकिन हमारे असम के लोग ये बखूबी जानते हैं कि आज तक अगर नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हुआ है तो वो ये मोदी के शासन में ही हुआ है। जिस प्रकार से डेवलपमेंट देखा जा रहा है, मुझे लगता है आज के युवाओं का डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, हमारा सुरक्षा जो है नॉर्थ ईस्ट में, बस यही है। और आज सुरक्षा को लेकर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का सुरक्षा और उग्रवाद की समस्या जो है,
तो उग्रवाद को जड़ से मिटाने की कोशिश क्या पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहे हैं? और कांग्रेस या बाकी लोग इस तरह का एलिगेशन भी लगा रहा है कि अभी भाजपा सरकार पे आने के बाद ये उग्रवाद का ये जो ये है उनका शक्ति बढ़ने लगा है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उग्रवाद आज का ये मतलब 20-25 साल से चल रहा है और इस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। आज जैसे असम के जो उग्रवाद पे काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। कब लगा? और ये पिछले 10 सालों से चल रहा है और अभी जैसे वर्तमान में भाजपा सरकार है तो इस पर अंकुश लग रहा है। और जहाँ तक आप चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं तो अभी जो मोदी सरकार ने जो हवाई हमले पाकिस्तान पे किए उससे मोदी की क्षमता या मोदी की रेटिंग बढ़ी है, मोदी की रेटिंग बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो नेता है जिसको कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया हुआ है अभी वो इस लायक नहीं है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सके। मैं ये खुले शब्दों में कह सकता हूँ कि राहुल गांधी अभी इस परिपक्व नहीं है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सके। और ये जो गठबंधन की जो राजनीति कर रहे हैं इसमें सारों का एक ही चेहरा है, चाहे ममता बनर्जी ले लीजिए, चाहे मायावती ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव ले लीजिए, ये गिने चुने 10 आदमी हैं जो पूरे देश को चलाना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनता की जो भावना है वो जनता के साथ ही चलना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान में जो मोदी गवर्नमेंट ने जो अपनी हिम्मत दिखाई है वो तारीफ़ काबिल है। अभी असम में अवैध बांग्लादेशी एक बहुत पुराने मुद्दा है, इसको समाधान स्थायी समाधान के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या आगे आया है या स्थायी समाधान के बारे में सोचा है? क्योंकि NRC क्या इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, NRC इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए। NRC पे काम पिछले 5-4 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी पिछले ये जब से यहाँ पर असम में नई सरकार आई है NRC को लेके जब नोटिस किसी के घर में पहुँच जाता है गाँव में लोग भाग खड़े हुए, लोग सुसाइड कर लिए। और ये मैं नहीं कहता, आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आंकड़े कहते हैं सरकार के, इस तरीके का एक ये हवा बना दिया NRC को। लेकिन यही काम जो पहले हो रहा था, लोग जा जा के अपने नाम लिखा रहे थे, और जबकि उनको मौका दिया जा रहा है कि सेकेंड लिस्ट में होगा, सेकेंड लिस्ट में नहीं होगा, थर्ड लिस्ट में काम होगा, क्योंकि सबको मौका दिया जाएगा। प्रोजेक्ट आपने बंद कर दिया बरपेटा की घटना के बाद में, जब अंशु ने आपको धमकी दी। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1985 में असम एकॉर्ड हुआ था और 2016 तक यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन इन्होंने विदेशी समस्या के समाधान के लिए विदेशियों की शिनाख्त तक का काम शुरुआत नहीं की। माननीय प्रधान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद जी सोनोवाल के आने के बाद में NRC पे काम की शुरुआत हुई और आज हमने फाइनल ड्राफ्ट NRC का रख दिया है। दूसरी बात, आज जहाँ तक चुनाव की बात आप कह रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश की जनता तय करेगी कि आपको मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए। मजबूर सरकार की जब मैं बात करता हूँ तो हमारी बहन मायावती कहती है कि हमें मजबूत सरकार चाहिए जिससे ये लोग भ्रष्टाचार कर सके। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में खुद बेल पे है, तो जो जेल में और बेल में है आज वो देश को क्या विकल्प देंगे? जरा 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 ये मोर साहब बता दे कि आपके नेता तो बेल में है और कुछ लोग जेल में है, तो ये जेल और बेल वाले नेता क्या देश का नेतृत्व करेंगे? आज देश को एक ईमानदार नेता की जरूरत है, एक दृढ़ राजनीति इच्छा शक्ति वाले नेता की जरूरत है जो आतंकवादियों को उनकी भाषा में पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब दे सके। और नरेंद्र मोदी जी ने माता जी भी आए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, मेरे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं जो कि युवा वोटर भी है। चलिए इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव में कौन सा पार्टी को चुनेंगे और किस बेसिस पर चुनेंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सा पार्टी को चुनेंगे और किस बेसिस पर चुनेंगे? इस टाइम में कहना मुश्किल है किस पार्टी को चुनेंगे। हम तो देखा है कांग्रेस के करप्शन से मोदी जो थो आ गया, इसलिए हम लोग का जो पहले चुनाव था 2014 में हमने तो मोदी जी को सुना था, लेकिन करप्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब देख रहे हैं इस साल में भी कल परसों PNRD का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट निकला हुआ है, वहाँ पे भी करप्शन हो गया है। हमने आंखों से आंखों देखा, CID रिपोर्ट आ गया, वो हम सोनोवाल जी और मोदी जी से बोलते हैं क्योंकि करप्शन ख़त्म करें
और जो ही साइड में हुआ, गांव में हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो मोदी का सोशल अभियान SBM का अभियान हुआ है वो बहुत बड़ा अच्छा था, लेकिन वहाँ पे भी घोटाला हो गया था और जो सीनियर अधिकारी है वो देखने नहीं आता है सोशल कैसे बनता है, ऐसा वैसा होता है। लेकिन और कोई कोई ऑफिस में भी जाएगा तो आप खुद ही जान जाओगे आप लोग कैसा होता है, इसलिए हम थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है किसको सुनाओ। और ये भी आ गया है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आया है BJP सरकार ने, इस तरीके पर जो आंचलिक दलों और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फ्रंट ने जो किया है और उत्तर पूर्व छात्र छात्रों ने जो किया है उसके बदले हम तो आंचलिक दल पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए वो तो गड़बड़ हो गया कि हम किसी बांग्लादेशी या विदेशियों जो भी हो विदेशी को हम वो सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन BJP का जो विजन था वो अच्छा था, वो सपोर्ट करते थे हम। अब जो सिचुएशन है उस पर हम थोड़ा नाराज़ है, वो इसलिए हम कांग्रेस को सुने या BJP को सुने या हम आंचलिक दल AJP को सुने या हमारा ये सोचना बात पड़ रहा है, क्योंकि आंचलिक दल ने भी अपने आपको टेक किया है, उनका मिनिस्टर टेक किया है, वो BJP का साथ छोड़ दिया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम आंचलिक दल को इस बार लेके आएंगे, ऐसा सोचा है हमारे यूनिवर्सिटी यूनियन के और छात्र छात्रों ने। आप भी एक युवा वोटर है, आपसे भी जानना चाहेंगे, चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप किस बेसिस पर आप पार्टी को चुनेंगे? देखिए, हम जो BJP का जो एजेंडा है, पहले जो एजेंडा था जो विदेशी जो है घुसपैठ का जो समस्या है उसे हल निकालेंगे, समाधान करेंगे, जो वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया, और उन लोगों का जो एजेंडा है जो हिंदुत्ववादी है वो, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम सेकुलर है, सेकुलर पार्टी को हम सुनेंगे, इसमें कांग्रेस भी होता है आंचलिक दल है ऐसा। इनको कहना है इन्होंने सेकुलर पार्टी को सुनेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी एक वोटर है तो आप क्या बोलेंगे, आपसे राय जानना चाहेंगे? मुद्दा अगर देखेंगे तो हम 2014 अभी 19 है, तो मेन इंडिया का मेन मुद्दा क्या है? इंडिया का मेन मुद्दा है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कैसे सरकार ने कैसे गुरुत्व दिया, तो उसको देख के हम आने वाला इलेक्शन में कुछ बता सकेंगे, उसका कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या होगा और BJP का मैनिफेस्टो क्या होगा। इंडिया का मेन मुद्दा क्या है? अभी मुद्दे पर कोई बात ही नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ उन सब दलों ने राजनीति कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टो देखने के बाद ही पता चलेगा कौन इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। तो हमारा इंडिया में अभी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अभी असम में ये जो मेन मुद्दा, अभी जो काफ़ी पुराना मुद्दा है, जो अवैध बांग्लादेशी, जिनको क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी इनको मतलब स्थायी समाधान के लिए आगे आया है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका स्थायी समाधान नहीं चाहता है, इश्यू बना के रखना चाहते हैं, आपका क्या क्या कहना? मतलब अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक मतलब जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल का उसको लेकर जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली जो BJP है उन लोग पावर में है, और वो लोग हमारा स्टेट गवर्नमेंट में है और सेंट्रल में भी है, लेकिन हमारा स्टेट और मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर भी हमारा मतलब हमारा असम के लोग क्या चाहते हैं, हम सबको विदेशी मतलब बांग्लादेशी को इधर से मतलब हमारा असम से बाहर निकलना है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी मतलब जो AJP है और फिर BJP है, मतलब BJP जो अभी पावर में है, लेकिन ये लोग मतलब स्थायी समाधान करने जो करना चाहिए वो लोग नहीं करके उल्टा हम बांग्लादेशी को जो बोझ है वो हमारा आसाम के लोग पर मतलब देना चाहते हैं, लेकिन हमको हमारा आसाम के लोग ये नहीं चाहते, हम सबको मतलब मिलकर ये बांग्लादेशी को हम मतलब असम से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए मैं अभी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ है जैसे कांग्रेस है, BJP है, AJP है, यहाँ पर AJP BJP और कांग्रेस यहाँ पर देख रहे हैं कि वो लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन BJP मतलब वो हमारा जनता के अगेंस्ट में जाकर ये काम करने जा रहा है, लेकिन तो हम अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस और AJP मिलकर ये अमेंडमेंट बिल का अगेंस्ट जा रहा है, तो मुझे ये लगता है कि AJP और कांग्रेस ये सिटीजनशिप बिल का जो बांग्लादेशी का समस्या है उसको मतलब समाधान स्थायी समाधान के लिए कोशिश कर रहा है, मेरा मतलब ये है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है इसको लेकर उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के राजनीति गर्माता दिखाई दिया, कुछ ही दिन में हम सब ने देखा, तो क्या इसका असर वोटर पर भी पड़ेगा?
हाँ हाँ पड़ेगा, क्यों नहीं। जो माइनॉरिटी होता रहे वो लोग को तो थोड़ा डर हो गया, क्योंकि हमको भगाने के लिए बीजेपी सरकार ने ये किया, इसलिए थोड़ा माइनॉरिटी वोट बीजेपी को कम पड़ेगा। मेरा मेरी जो व्यू है तो जो उसका है, जो बंगाली हिंदू है उसका वोट वो बीजेपी तक आ सकता है ऐसे पर, लेकिन जो इस मिट्टी का आदमी है, जो ट्राइबल है, जो ओबीसी है, इसका वो वोट सिर्फ उनको ही पड़ेगा जो इस धरती के लिए काम करेगा, ऐसा होता है हमारा फ्यू।